सबसे पावन पर्व की आज हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। की बात है एक साहूकार की, जिसके साथ लड़के और एक लड़की थी। प्रेम भाव से मिलजुल करके वो सब रहते थे, एक दूजे से हद से ज्यादा प्रेम वो करते थे। करवा चौथ का पावन पर्व जब आया, और बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि में भोजन करने का समय जब हुआ, बहन को भोजन करने के लिए भाइयों ने कहा। क्या कहती है बहना आगे वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। करूंगी चांद को अर्घ दिए बिना मैं कैसे खाऊंगी। भाई मेरे फिकर ना करो, आप सभी खा लो, निर्जल व्रत है मेरा आज, बात मेरी मानो। सेठ के बेटे बहन से अपनी बहुत प्रेम करते थे, बहन का व्याकुल चेहरा वो कभी देख सकते थे। बहन की भूख प्यास को देख वो सहन न कर पाए, सातों भाई लगे सोचने क्या किया जाए। बहन को चांद दिखाने का उपाय लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। पे जाकर हो गए खुश वो पीपल का एक बड़ा पेड़ पाकर। चलने की ओट में दीपक को रख देते हैं, फिर उस पीपल पे रख कर दीपक को जलाते हैं। वापस घर आकर उन्होंने बहना से कहा, देखो मेरी प्यारी बहना चांद निकल आया। अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो, लेकर नाम प्रभु का व्रत का पारण तुम करो। आगे क्या होता है अब हम वो दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। से कहा अर्घ देकर भोजन कर लो, चांद निकल आया। ननद की बात सुनकर सभी भाभियों ने कहा, सुनो ननद जी बात, अभी कोई चांद नहीं निकला। भाभियों की बात को उसने अनसुनी किया, सातों भाइयों की बात को उसने मान लिया। देकर अर्घ उसे ही उसने भोजन कर लिया, जलते हुए दीपक को उसने चांद ही समझ लिया। इस करने का परिणाम वो समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। प्रकार से सेठ की बेटी का व्रत भंग हुआ, दुख हरता श्री गणेश जी का उस पे प्रकोप हुआ। श्री गणेश के शाप से उसका पति बीमार हुआ, बचा हुआ धन सारा उसकी बीमारी में लग गया। सेठ की बेटी को जब गलती का एहसास हुआ, गलती का उसे मन में पश्चाताप हुआ। गणेश जी के चरणों में फिर क्षमा याचना की, फिर से विधि विधान से सेठ की बेटी ने व्रत की। श्रद्धा भक्ति देख गणेश जी उस पे प्रसन्न हुए, और उसके पति को जीवन दान प्रदान किए। खुशियों से और धन दौलत से घर भर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। सबसे पावन पर्व की आज हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। की बात है एक साहूकार की, जिसके साथ लड़के और एक लड़की थी। प्रेम भाव से मिलजुल करके वो सब रहते थे, एक
दूजे से हद से ज्यादा प्रेम वो करते थे। करवा चौथ का पावन पर्व जब आया, बेटी और बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि में भोजन करने का समय जब हुआ, बहन को भोजन करने के लिए भाइयों ने कहा। क्या कहती है बहना आगे वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। जन करूंगी चांद को अर्घ दिए बिना मैं कैसे खाऊंगी। भाई मेरे फिकर ना करो, आप सभी खा लो, निर्जल व्रत है मेरा आज, बात मेरी मानो। सेठ के बेटे बहन से अपनी बहुत प्रेम करते थे, बहन का व्याकुल चेहरा वो कभी देख सकते थे। बहन की भूख प्यास को देख वो सहन न कर पाए, सातों भाई लगे सोचने क्या किया जाए। बहन को चांद दिखाने का उपाय लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। पे जाकर हो गए खुश वो पीपल का एक बड़ा पेड़ पाकर। चलने की ओट में दीपक को रख देते हैं, फिर उस पीपल पे रख कर दीपक को जलाते हैं। वापस घर आकर उन्होंने बहना से कहा, देखो मेरी प्यारी बहना चांद निकल आया। अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो, लेकर नाम प्रभु का व्रत का पारण तुम करो। आगे क्या होता है अब हम वो दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। से कहा, अर्घ देकर भोजन कर लो, चांद निकल आया। ननद की बात सुनकर सभी भाभियों ने कहा, सुनो ननद जी बात, अभी कोई चांद नहीं निकला। भाभियों की बात को उसने अनसुनी किया, सातों भाइयों की बात को उसने मान लिया। देकर अर्घ उसे ही उसने भोजन कर लिया, जलते हुए दीपक को उसने चांद ही समझ लिया। इस
करने का परिणाम वो समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। प्रकार से सेठ की बेटी का व्रत भंग हुआ, दुख हरता श्री गणेश जी का उस पे प्रकोप हुआ। श्री गणेश के श्राप से उसका पति बीमार हुआ, बचा हुआ धन सारा उसकी बीमारी में लग गया। सेठ की बेटी को जब गलती का एहसास हुआ, अपनी गलती का उसे मन में पश्चाताप हुआ। गणेश जी के चरणों में फिर क्षमा याचना की, फिर से विधि विधान से सेठ की बेटी ने व्रत की। श्रद्धा भक्ति देख गणेश जी उस पे प्रसन्न हुए, और उसके पति को जीवन दान प्रदान किए। खुशियों से और धन दौलत से घर भर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करवा चौथ की भक्तों पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा।